हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? और भाई, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस टाइम में। मेरा नाम ध्रुव है। तो भाई, ये आप सामने देख रहे हो क्विड, ये इसका RX-T मॉडल है। अब देखो, मारुति के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एंट्री लेवल पे आते हैं, जैसे कि ऑल्टो हो गई, सेलेरियो हो गई, एस्प्रेसो हो गई। तो ये सारी गाड़ियाँ एंट्री लेवल हैं। तो सेम मार्केट में और एक ऐसी गाड़ी है जो एंट्री लेवल पर आती है, वो है ये कार, जो कि है क्विड। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, 5,61,000 इसकी एक शोरूम कॉस्ट है, और वहीं पे 6,59,000 इसकी ऑन रोड प्राइस आती है। इस प्राइस में अगर आप इसको मारुति की गाड़ी से कंपेयर करते हो, तो आपको अच्छे खासे इसमें फीचर्स लोडेड मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस ब्रैकेट है ना, ये प्राइस ब्रैकेट में बहुत से लोग आते हैं, जैसे कि आप वर्किंग वुमेन्स की बात कर सकते हो, यानी कि सीनियर सिटीजन की भी बात कर सकते हो, जिनको ज़्यादा कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कार नहीं चाहिए, सिंपल गाड़ी चाहिए, सस्ती गाड़ी चाहिए, माइलेज अच्छा दे दे, फीचर्स अच्छे मिल जाए, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो देखते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। तो ये है वो कार। अब यहाँ पे इसकी एकदम डिटेल में बात करूँगा, फीचर्स एंड ऑल सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ। ये इसका RX-T मॉडल है, प्लस आगे चल के अंदर से भी मैं बताऊँगा आपको और चीज़ें। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, तो ऐसी कुछ चाबी है। सबसे पहली चीज़, आपको इस प्राइस पॉइंट में कीलेस एंट्री मिलती है। लॉक एंड अनलॉक करने पे आपके टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे ब्लिंक होते हैं, ओके। देन अगर मैं यहाँ पे फ्रंट से आपको बताऊँ, तो इस गाड़ी में भाई आपको DRLs मिल रही हैं। मारुति की इस प्राइस पॉइंट में आपको DRLs नहीं मिलती, और DRLs हो चुका है फैशन या ट्रेंड आप बोल सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अब यहाँ पे पीछे इसके आ जाता है आपको हैलोजन बल्ब टर्न इंडिकेटर। नीचे अगर मैं बताऊं, आपको इसमें हैलोजन हेडलाइट मिलती हैं, जो कि एकदम बेसिक हैं, आपका हाई बीम एंड लो बीम उसी में हो जाता है। ग्रिल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सिंगल स्लैट क्रोम आपको मिलता है, रेनो का बड़ा लोगो क्रोम में आपको मिल जाएगा, और नीचे के दोनों ग्रिल जो हैं वो थोड़ी ब्लैक्ड आउट है। यहाँ पर लोअर ग्रिल अगर आप देखते हो, 3 स्लैट है, और नीचे आपको स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, जो कि भाई बहुत सही है। और इस गाड़ी की जो लुक है ना, वो थोड़ी बहुत आपको SUV-ish कैरेक्टर देगी, आप समझ रहे हो। एक तो इसके ये स्प्लिट हेडलैम्प का फंक्शन जो आपको मिल रहा है, देन आपको स्किड प्लेट्स मिल रही हैं, और अगर एंट्री लेवल सेगमेंट में देखते हो, तब मोस्ट अट्रैक्टिव लुकिंग कार क्विड ही है, जिस हिसाब से आपको एलिमेंट्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। उसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे साइड में आ जाओगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्हील क्लैडिंग अक्रॉस द व्हीकल मिलती है। तो व्हील क्लैडिंग से गाड़ी काफ़ी SUV-ish लुक देती है। टर्न इंडिकेटर्स आपको क्लैडिंग पे ही मिलने वाले हैं, ओके। देन नीचे आपको 14 इंच के व्हील मिलते हैं। अब ये स्टील रिम है, ये आपको नहीं मिलते इसमें कोई अलॉयज वलॉयज। इनकी प्रोफाइल की बात करो, तो 165/70 R14 इंच का ये व्हील है, ठीक है। गाड़ी की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, तो 1579 mm इस गाड़ी की चौड़ाई है, जो कि एक डिसेंट इनफ है अगर आप इस एंट्री लेवल पॉइंट के हिसाब से देखते हो। तो पीछे देखो किस हिसाब से कंफर्टेबल होंगे लोग, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देन मतलब अंदर चल के ही बताऊंगा। ORVMs की अगर मैं बात करूं, तो ये फुल मैनुअल है, और ये कुछ ड्यूल टोन शेड में आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर मिल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद डोर हैंडल्स की बात करूँ, तो ब्लैक में है, और यहाँ पर आपको क्लासिक डोर हैंडल्स दिए हैं कुछ ऐसे। बी पिलर गाड़ी का मैट ब्लैक में आपको मिलेगा। ऊपर आपको भाई इतना बड़ा एंटेना मिलता है, मतलब ये देखो ना, साइड प्रोफाइल से ऑलमोस्ट आधी रूफ के भी पार है वो, तो एक बड़ा एंटेना है। यहाँ पे 28 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में आपको दी जाती है। गाड़ी में नो डाउट ग्राउंड क्लियरेंस लाजवाब है, 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 5 लोग बैठ भी गए ना, तो स्पीड ब्रेकर से गाड़ी आराम से निकल जाएगी। हाँ, बड़े स्पीड ब्रेकर्स रहेंगे ना, तो चांसेस है गाड़ी नीचे टच हो जाए, बिकॉज इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े ऑन द सॉफ्ट साइड है, तो चांसेस हैं। तो आप आराम से निकालो, क्रॉस करके निकालो, तो गाड़ी टच नहीं होगी, अगर गाड़ी में 5 लोग लोडेड भी हैं। देन पीछे से अगर गाड़ी देखें, तो भाई गाड़ी में DRLs आ रही हैं, गाड़ी में LED टेल लैम्प्स भी मिल रहे हैं, भाई एक नंबर चीज़ है। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर हैलोजन में है, और ये आपकी रिवर्स लाइट मिल जाती है आपको। गाड़ी में हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी रेड डिफॉगर्स या वॉशिंग वाइपर आपको इसमें नहीं मिलता। अब
क्विड में यहाँ पे स्प्रेड आउट तो नहीं, बट आपको क्रोम में ब्रांडिंग मिलती है, ये लोगो है, और लोगो के बीचों बीच आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल रहा है। इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आता है। ईजी आर, जो अब ये ईजी आर क्या है, ये AMT वर्जन है, इसीलिए वहाँ पे ईजी आर की ब्रांडिंग दी है। यहाँ पे रेनो का लोगो आपको मिल जाएगा। ऑल्सो लोअर बम्पर है ना, इसका ब्लैक्ड आउट है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे इस साइड पे। गाड़ी में अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस यार इसमें डिसेंट है और अच्छा बूट स्पेस है। 279 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको फुल मेटल है, कुछ भी आपको इंसुलेशन नहीं मिलती। हालांकि आपको यहाँ भी इंसुलेशन नहीं मिलती, अगर आप देखते हो थोड़े बहुत पार्ट्स एक्सपोज्ड हैं, जो कि कुछ लोगों को अच्छे ना लगे, बट ठीक है यार, इस प्राइस पॉइंट में सब कुछ मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग तो करनी ही पड़ती है। पार्शल ट्रे आप एक्सेसरीज में ले सकते हो रेनो से, जो कि आपकी ये पड़ी लग जाएगी। सो 279 लीटर्स का जो स्पेस है भाई, अच्छा खासा स्पेस है अगर आप सेगमेंट वाइज देखते हो। डिसेंट है यार, मतलब सिटी यूज़ के लिए तो बढ़िया है, और ये सिटी कार ही है, ये प्रॉपर हैचबैच भी नहीं है जैसे कि आपकी स्विफ्ट, नियोस और ये सब आ जाती है, ये सिटी कार्स हैं, ठीक है। देन ये कुछ गाड़ी का ये साइड प्रोफाइल अगर मैं दिखाऊं आपको थोड़ा दूर से, तो ये देखो, ये कुछ गाड़ी की साइड प्रोफाइल है। अच्छी लगती है गाड़ी, नो डाउट लुक्स में अच्छी है, स्पेशली फ्रंट से, और इसके जो LED टेल लैंप्स है वो तो कमाल के लगते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी में इंटीरियर की, बिकॉज इंटीरियर इसके है ना काफ़ी बेहतरीन है अगर आप उसको मारुति की गाड़ी से कंपेयर करते हो। अब यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, हर जगह पूरे पैनल में हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेंगे। आपका डोर हैंडल्स ब्लैक में है, ये कुछ सिक्के विक्के आप रख सकते हो, या ग्रैब हैंडल पॉइंट है बंद करने के लिए। 1D स्टोरेज नीचे है, डोर पॉकेट्स भी आपको मिल रही हैं। ये कुछ मैकेनिज्म है आपका लॉक एंड अनलॉक का, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs इस गाड़ी में दिए जा रहे हैं, ये देख रहे हो आप, तो भाई बहुत सही चीज़ है। सिर्फ आपको उसको है ना फोल्ड अपने हाथ से करना पड़ेगा, एडजस्टेबल हो जाएंगे वो इलेक्ट्रिकली, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। इंटीरियर्स देखो, आपको फुल ब्लैक थीम में मिलने वाले हैं। हालांकि सीट पे आपको फैब्रिक मिलेगा, जिसमें आपको रेड इंसर्ट एंड यहाँ पे टेक्सचर्स मिल जाते हैं। आपके इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट हैं आगे और पीछे, ठीक है, जस्टिफाइड है इस प्राइस पॉइंट की कार में। एंड ये वाली जो ड्राइवर सीट है, ये 4-way मैनुअली एडजस्टेबल है, वो भी 4-way मैनुअली एडजस्टेबल है, और पीछे वाली बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो ये मैंने सीट को पूरा पीछे ले लिया है, ठीक है। अब अगर मैं स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ तो सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है स्टेयरिंग व्हील पे, अच्छा और प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम का इस्तेमाल किया है, नीचे थोड़ा आपको आप बोल सकते हो यहाँ पे ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल किया है। कुछ ऐसा हॉर्न है, कुछ ये हॉर्न था गाड़ी का। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, इस तरफ लाइट और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे AC वेंट्स के अराउंड आपको क्रोम का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ा प्रीमियम फील हो, तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। और अगर आप नीचे देखते हो ना, तो ये इसका हेडलाइट लेवलर है, और ये बोनट खोलने के लिए आपको लीवर दिया है, तो हेडलाइट लेवलर थोड़ा वियर्ड जगह पे, बट ये एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs दिया है। एंड उसके बाद आपको ड्यूल एयरबैग्स हैं, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग आपको मिलता ही है इसमें। डैशबोर्ड पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है, एंड क्विड की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके इंटीरियर, स्पेशली इस पैनल की वजह से। तो यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश का ये पूरा पैनल है, जिसमें अंदर आपको इसमें 8-9 inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, एंड आपको इसमें USB एंड ऑक्स, आपका जो ऑक्स कंपैटिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप खुद सोचो ना, मतलब इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, और भाई लोडेड है। अगर मैं थोड़ा चालू करके दिखाऊँ आपको ये चीज़, जस्ट अ सेकेंड, आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखिए कैसे चालू होता है, प्लस आपका इंफोटेनमेंट, ये देखिए, ये हो गया आपका चालू। यहाँ पे आ गया रेनो लिखा हुआ, अगर आप देखते हो इसमें, बहुत सही है यार, मतलब अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। एंड ये देखिए, रेडियो, मीडिया, फ़ोन सेटिंग्स एंड ऑल,
नाइट मोड में आप जा सकते हो जहाँ पे आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी पूरी, फिर से वापस टच करके ये सब। तो फीचर्स लोडेड हैं और क्रोम सराउंड उसके आजू बाजू में भी दिया है। देन अब बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, ठीक है। ये है LED पैनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये LED पैनल है, कोई ग्लास व्लास इसमें नहीं आता है, सीधा यहाँ पे LED पैनल दिया है। और ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अगर मैं स्टार्टिंग से आपको चालू करके दिखाऊं गाड़ी, ये देखो कुछ ऐसे यहाँ पे लुक्स आते हैं। सारी वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ऊपर टेम्परेचर गेज है, इस तरफ फ्यूल गेज है, यहाँ पे आपका एनालॉग में टैकोमीटर आपको मिल जाता है, इस तरफ स्पीडोमीटर आपको बीच में मिलेगा, एंड यहाँ पे गियर इंडिकेशन भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 42 यानी कि ऑडोमीटर रीडिंग, डिस्टेंस टू एंटी यहाँ पे आपको दिखाएगा। ऑल्सो और क्या चीज़ें हैं इसमें, ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज देन इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लोडेड मिलने वाली है। और बहुत अच्छा लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, समझो सूरज सामने है और यू नो आपको विजिबिलिटी में थोड़े इशू आ सकते हैं बिकॉज एकदम चुभती है ना धूप, तो भाई ऐसी चीज़ें काम आती है बिकॉज इतना कलरफुल है और सीधा पैनल है, कोई ग्लास व्लास नहीं, तो रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ ही नहीं। और ये जो अंदर है ना, ये मैट फिनिश है, तो मैट फिनिश होने की वजह से जो थोड़े बहुत भी चांस थे ना रिफ्लेक्शन आने के धूप की वजह से उस जगह पे, वो भी नहीं होंगे। तो ये एक काफ़ी सॉर्टेड चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको विंडो, आगे के जो दोनों विंडोज़ हैं आपके, वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकली। और अगर मैं पीछे की बात करूँ तो पीछे भी हम चल के बात करेंगे, बट ये कुछ कंट्रोल्स हैं दोनों विंडो के, ठीक है। तो आपको वन टच अप वन टच डाउन यहाँ पे नहीं मिलता, ये लॉक बटन है, ये आपका हैजर्ड स्विच है, यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें नहीं आता है। बट अगर आप नीचे आओगे ना तो भाई आपको 12V का सॉकेट, USB पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट आपको मिल जाता है। स्पेस की कमी गाड़ी में किसी भी तरीके की नहीं है, स्पेस ही स्पेस है। यहाँ आप मोबाइल फ़ोन रख लो या बीच में आप यहाँ पे मोबाइल स्टोरेज दिया है यहाँ पे रख सकते हो, सामान भाई भर भर के रख सकते हो। देन अब बात करते हैं सबसे सही चीज़ के बारे में। अब जो बिगनर्स होते हैं जिनको गाड़ी चलाना वो मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑल ये सब, बट ऑटोमेटिक में भी वो लेवर वेवर आता है, वो सब चीज़ों से अगर हटना है, एकदम सिंपल चीज़ चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं, एकदम सिंपल सिर्फ गाड़ी चलानी है एक बार ये करके, तो ये देखो एकदम सिंपल गियर इंडिकेशन है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। आपको गाड़ी चलानी है ड्राइव में रखो, गाड़ी न्यूट्रल में रख दो या गाड़ी रिवर्स में रखो, बहुत सही है। ये देखो न्यूट्रल, ये फिर ड्राइव मोड आ गया। और ये सारी गियर इंडिकेशन आपको यहाँ पैनल पे भी मिलेगी, है ना, ड्राइव में रख के बस गाड़ी चलाते रहो, कुछ नहीं करना, फिर यहाँ देखना ही नहीं। फिर जब गाड़ी रोकोगे न्यूट्रल में, अपनी गाड़ी डाल के हैंड ब्रेक खींच दो या फिर आप जिस भी गियर में रख दो। तो चीज़ें इतनी सिंपल हैं और वो भी कितना प्रीमियम लग रहा है, ये जो क्रोम का इस्तेमाल किया है डायल पे, यहाँ पे क्रोम का, एकदम प्रीमियम लग रहा है। और गाड़ी के इंटीरियर्स हैं प्रीमियम भाई, एक अलग लेवल पे हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से। जो क्रोम का इस्तेमाल, ब्लैक पियानो फिनिश यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल, LED पैनल जो कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सारे फीचर्स एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार, भाई 6,60,000 रुपये में और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो कंपैरेटिवली अगर आप बाकी इसको एंट्री लेवल कार से कंपेयर करते हो तो भाई है डेफिनेटली पैसा वसूल है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसका ग्लव बॉक्स इतना ह्यूज है और अंदर की तरफ डीप है, आप देखो ना कहाँ तक जा रहा है ग्लव बॉक्स, भाई बड़ा ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट है। एंड ये कुछ बंद हो गया। IRVM डे एंड नाइट मैनुअली आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर हालांकि इसमें नहीं मिलता, आपको इस तरफ भी कहीं टिकट होल्डर नहीं है, ना कि कांच में, तो टिकट होल्डर आपको नहीं मिलेगा। ये आपको रिसीवर दिया है ऊपर ब्लूटूथ का। यहाँ पे आपके कैपिल लाइट्स रेगुलर हैं येल्लो कलर में, एंड यहाँ पे भी कुछ भी आपको नहीं मिलता, ना ही वैनिटी मिरर, ना ही टिकट होल्डर। तो अब बात करते हैं सीट की, तो इसमें ना अंडर थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है टू बी फ्रैंक, बट कंफर्टेबल हैं सीट्स। अगर मैं थोड़ा सीट को पीछे रिक्लाइन करके ऐसे ही एंगल में ट्रैवल करूँ ना, मेरे को थकान इसमें महसूस नहीं होगी। सीट कंफर्टेबल है बिकॉज सीट ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, ट्रैवलिंग के लिए एकदम सही है। और ये क्या टूट गया भाई, कुछ पाना वाना लग रहा है, छोड़ो। हाँ तो ये हो गया। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो कुछ स्पेस आपको यहाँ भी मिलता है, बट खैर हैंड ब्रेक का वो चीज़ वहाँ जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो
इतना ही अगर नीचे जा रहे हो तो इसके नीचे भी स्पेस मिल जाता है, कुछ आप वहाँ रख सकते हो। अपना वो आते हैं ना एयर, वो जेल आती हैं जो आजकल चल भी रहे हैं बहुत, तो वो रख लो यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस देती हैं, तो वो सही है, वो चीज़ वहाँ रहेगी। फिर भी हैंड ब्रेक नीचे जा सकता है। और हैंड ब्रेक की भी टिप जो है वो ब्लैक में दी है यहाँ पर, बट इसके नीचे अच्छा दिया है कि यहाँ पर लेदर दिया है, लेदर अपहोल्स्ट्री दी है, प्रीमियम लगती है। थोड़े बहुत पार्ट ऐसे एक्सपोज्ड हैं, वो आप समझ ही सकते हो यार, प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो गाड़ी है वो तो हर गाड़ी में रहता है इस प्राइस पॉइंट की। तो ये हो गया पूरा इस गाड़ी का फ्रंट कैबिन, ठीक है। अब है ना मैं सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ। यस, ये हो गई एडजस्ट। अब चलते हैं पीछे, चेकआउट करते हैं गाड़ी में पीछे कितना स्पेस मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ना यार सिटी यूज़ के लिए हिसाब से तो बहुत सही है गाड़ी, मतलब द बेस्ट ऑप्शन यू कैन बाय अगर आप सिटी के हिसाब से देख रहे हो इस प्राइस पॉइंट पे। इंटीरियर डोर हैंडल ब्लैक में, ये पूरा ब्लैक में। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए हैं इंफोटेनमेंट के, आई डाउट इनमें कोई लाइट है, चेकआउट कर लेते हैं, बिकॉज रेनो और निसान तो देते ही हैं लाइट, नहीं उनमें कोई लाइट भी नहीं है, चलेगा यार, क्योंकि मैग्नेट और आप टाइगर देखते हो ना उनमें लाइट आती है। तो भाई यहाँ पे पूरा, और ये क्वालिटी देखो प्लास्टिक की, भाई अच्छी क्वालिटी है, जिस हिसाब से ये पैनल दिया है ना, ये देखो क्लैरिटी अच्छी आ रही होगी आपको, भाई बहुत सही क्वालिटी है यार, मैकेनिज्म भी एक नंबर यार, मतलब इस प्राइस पॉइंट में ऐसी क्वालिटी देना भाई बहुत मुश्किल वाला काम है, सही बता रहा हूँ। स्विफ्ट में बैठो और स्विफ्ट के ये बटन्स को दबाओ और फिर आप स्क्विड के दबा के देखो, फिर बताना, बहुत अच्छी क्वालिटी, वेल डन। यहाँ पे कोई भी डोर पॉकेट्स आपको नहीं मिलती। अब यहाँ पे आपको सेम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी सीट में, वही टेक्सचर्ड वाली, अब ये एडजस्टेबल नहीं है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है। अब अगर पीछे बैठ के देखते हैं तो ये देखो, अच्छा नी रूम है ना, मस्त। और यहाँ पे लेग रूम भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो सेम मेरी हाइट का बंदा गाड़ी चला रहा है, कोई 5'8", और अगर मैं पीछे बैठूँ तो ऐसा कुछ कंफर्ट होगा, नीचे भी अच्छा खासा है। अब यहाँ पे अगर आप जिस चीज़ को है ना ध्यान से समझो, तो बीच में अगर ये इस सीट पे पूरी बेंच रो पे अगर तीन पतले एडल्ट बैठे, पतले की बात कर रहा हूँ, मेरे जितने हेल्दी नहीं बट पतले, तो कंफर्टेबली बैठेंगे, बट मेरे जैसे अगर यहाँ तीन बैठ गए तो अनकंफर्टेबल होगा। तो मेरे जैसे यहाँ पे लिटरली है ना हेल्दी पर्सन यहाँ पे दो बैठेंगे और बीच में एक छोटा बच्चा बैठा ना, वो फिर भी कंफर्टेबल रहेगा, समझ रहे हो आप। एंड सेंटर में कोई बच्चे को या एडल्ट को पैर रखने में तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी ये प्लेट दी है जिसपे यू नो पैर आदमी टिका सकता है, तो कुछ अच्छा स्टडी चीज़ दी है, ये चीज़ एक अच्छी है। एंड कोई इतना गंदगी भी नहीं होगी, यहाँ पे मैट आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा तो पैर रख सकता है आराम से, तो ये एक रेनो ने काफ़ी अच्छी चीज़ दी है, ये वाला पार्ट बहुत, इनकी आइडिएशन अच्छी है बेसिकली, जो चीज़ें ये लोग सोच के देते हैं। अब यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं है, और तीन एडल्ट्स, हेल्दी एडल्ट्स को है ना यहाँ पे शोल्डर में बहुत तकलीफ आएगी। भाई देखो छोटी गाड़ी है, सिटी यूज़ के हिसाब से है, तीन लोग या चार लोग के लिए तो बेस्ट है, ये चार लोग के लिए तो बेस्ट है, पांचवा अगर एक बच्चा होना तो कंफर्टेबल होगा। आपको फिक्स्ड हैंडल बार मिल जाते हैं, कोई कोट हुक नहीं मिलता, ये साइड भी फिक्स्ड हैंडल बार है, ये पीछे ग्लास एरिया, ये आगे डैशबोर्ड, अच्छी लगती है गाड़ी। मार्केट में आप ऑल्टो इन सब कंपेयर करके देख लो। देखो मैं बार बार इन मारुति की गाड़ियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज एंट्री लेवल में वही हैं, आपकी जो सैंट्रो आ जाती है वो भी एक गाड़ी है एंट्री लेवल में, बट ठीक है सैंट्रो में थोड़ी और बेहतर क्वालिटी मिल जाती है अगर आप क्विड से कंपेयर करते हो, बिकॉज उसकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी है। सैंट्रो और टियागो आप बोल सकते हो एक प्राइस में, तो वो गाड़ियाँ अलग सेगमेंट हो जाती है, बट ये एकदम स्टार्टिंग, यानी कि जब गाड़ी आदमी कोई ख़रीदता है तो एकदम स्टार्टिंग जो आती है ना, तो यही गाड़ियाँ आती हैं। अब देखो अगर आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपका पॉइंट सेफ्टी है तो आपको थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आप टियागो की तरफ जा सकते हो जो कि 4-स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप में। इस प्राइस पॉइंट में सेफ्टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ गाड़ियाँ अकॉर्डिंगली उस हिसाब से होती हैं।
आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके टाटा पंच की तरफ भी जा सकते हो, एकदम बेसिक मॉडल आएगा उसका, प्योर, समझ रहे हो। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है तो, बट वहाँ पे फीचर्स नहीं मिलेंगे फिर आपको। इस गाड़ी में फीचर्स हैं बट सेफ्टी इतनी नहीं है। बट पंच और टियागो जैसी गाड़ियाँ जो हैं उनमें फ़ीचर्स आपको इतने नहीं मिलेंगे, बट सेफ्टी मिलेगी, अच्छा इंजन मिलेगा 1.2 लीटर का। इसमें अब इंजन की बात करूँ तो इसमें आता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। तो अगर मैं बात करूँ तो उसकी पावर आ जाती है आपको 61 BHP और 97 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिलता है इस इंजन से। अब देखो माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो यार इस प्राइस पॉइंट पे जो गाड़ी लेता है उसको माइलेज बहुत मैटर करता है, और इस गाड़ी में आपको मिलेगा 22 का माइलेज। 22 तो फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम्ड है, वो डिपेंड करेगा आपकी, अगर ड्राइविंग बहुत स्मूथ है 80 की स्पीड पे, आपको हायर RPM पे नहीं जाने दे रहे आप एंड ऑल मेंटेन कर रहे हो हर चीज़, तो यार आपको 22 से 24 भी मिल सकता है। तो माइलेज रिगार्डिंग तो देखो इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। हाँ, मारुति जितना माइलेज आपको उस हिसाब से चलाओगे तो आप मारुति जितना भी निकाल लोगे, बट ऑन पेपर फ्यूल एफिशिएंसी जो क्लेम की जाती है वो जानता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी कम है। थोड़ी क्या, 19-20 का ही फ़र्क है, ये 22 है वो 23 है 24 है, ऐसा हिसाब है। बट अगर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देख रहे हो भाई, बेस्ट कार है इस सेगमेंट में, आपको पावर टॉर्क डिसेंट इनफ मिल रही है, 4 लोग लोडेड हैं, फीचर्स अच्छे खासे, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs, बड़ा इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम, LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कंफर्ट अच्छा है, सीट कंफर्टेबल है, ओवरऑल थीम अच्छा है, एक्सटीरियर लुक्स अच्छे हैं, DRLs मिल रही हैं, देन आपको व्हील्स 14 इंच के मिल रहे हैं, बूट स्पेस 279 liters, कुछ बुराई नहीं है भाई। आप सोच सकते हो इस गाड़ी के बारे में अगर आप एकदम इसके हिसाब से सोच रहे हो कि हाँ आपको इस रेंज की गाड़ी चाहिए। उसके अलावा भाई देखो कुछ भी सवाल है पूछ लो कॉमेंट सेक्शन में, नहीं तो बेस्ट है इंस्टाग्राम, वहाँ कनेक्ट करो, समझ लो। तो भाई मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।